नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो करंट अफेयर की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ वीडियो साबित होगी जिसमें जनवरी से अब तक का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। यानी हमने वो चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक होंगे। याद रखिएगा, आपको यह वीडियो देखते समय आपका कंसंट्रेशन कोई भंग ना कर पाए, यानी इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर याद रखिएगा, इस वीडियो पर पहली बार अगर हैं आप तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। इस वीडियो को ले चलेंगे आगे शुक्ला सर और वीडियो को एंजॉय करें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के जो नवे मुख्यमंत्री बने हैं वो तीरथ सिंह रावत बने हैं। बात करें इसके पहले कौन थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी हाल में ही इस्तीफा दिए हैं अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में, तो उनकी जगह पे तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और अगर राजधानी की बात करें तो देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। देहरादून जो है ठंड के दिनों में और गैरसैंण जो है गर्मी के दिनों में यहाँ की राजधानी होती है। अभी हाल में ही यहाँ पे कोरोना वायरस पोर्टल लॉन्च किया गया है। बेरोजगारी के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खोला जाएगा। टिहरी झील महोत्सव भी हाल में हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में। घरों की पहचान के लिए चिल्का नामक योजना चलाया गया है कहाँ पे, ये भी उत्तराखंड में। ये जो है बेटियों से रिलेटेड योजना है। और अभी हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड में हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो किया है कहाँ पे, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पे बात हुई बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो देखिएगा, इसकी स्थापना जो हुआ था 26 मार्च 1971 को। और बात करें हम यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा बांग्लादेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे बात हुई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो विष्णुभूषण हरिश्चंद्र हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और बात करें राजधानी की तो हैदराबाद। और अभी हाल में ही जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च किया गया है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश है। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विच ओपन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत। रजत पदक जो है पीवी सिंधु ने BWF स्विच ओपन में जीता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पहले विश्व कौशल का उद्घाटन जो किया गया है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बात आई उड़ीसा की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा उड़ीसा। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेश लाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है। अभी हाल में ही यहाँ पे सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। सहती कार्यक्रम शुरू किया गया है कहाँ पे, उड़ीसा में किया गया है। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में जो बनेगा कहाँ पे, उड़ीसा में है। गरिमा नामक योजना ये भी आपका जो है उड़ीसा में किया गया है। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 जो खेला जाएगा ये भी कहाँ खेला जाएगा, उड़ीसा में खेला जाएगा। ई कलिका मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया ये भी कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है? ये कहाँ दिया है, हरियाणा सरकार ने। यहाँ पे बात आई हरियाणा की, तो यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और अगर राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन अभी हाल में किया गया था कहाँ पे, हरियाणा में किया गया था। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, हरियाणा में किया गया है।
हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, ये भी आपके हरियाणा में किया गया है। और हरियाणा में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? हरियाणा में। तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, जो बलदेव शरण नारंग थे ये कौन थे? एक संगीतकार, इनका निधन अभी हाल में ही हुआ है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ ही क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? तो किसने किया है? मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत किया है। यहाँ पे बात हुई है मेघालय की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये रहा मेघालय। मेघालय के जो इस समय गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं, और यहाँ की जो राजधानी की बात करें तो शिलांग है, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं, और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके मेघालय में है, नाकारेक राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? मेघालय में। ये रहे कुछ मेघालय से रिलेटेड पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे? रवि कपूर को। रवि कपूर को दोस्तों हाल ही में संसद टीवी के सीईओ पद के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? तो ये किया है किसने? विप्पल कुमार देव ने। बात करिए कौन है, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृति त्रिपुरा जो है शुरुआत किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है कृषि जनगणना आयोजित करने की जो घोषणा की है किसने किया है? गुजरात सरकार ने। आप मैप में देख सकते हैं ये रहा गुजरात। यहाँ बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हैं, और गवर्नर की बात करें आचार्य देवव्रत हैं। और अभी हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है कहाँ पे? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी गुजरात में खोला जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी कहाँ पे? गुजरात में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये किसने किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने जो है देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है ये है बेंगलुरु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा हैं, और गवर्नर की बात करें तो वजूभाई वाला है। यहाँ पे वनेर घट्टा नेशनल पार्क ये भी आपके कर्नाटक में है, वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, नागरहुल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके कर्नाटक में है। आप मैप में देख सकते हैं ये रहा कर्नाटक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण भट्ट जो थे ये एक कवि थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? ये कहाँ पे बन रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जो है सौर संयंत्र बन रहा है। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश रायसेन में स्थित है। किन्नर बोर्ड का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो भी मध्य प्रदेश है। तीन राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत अभी हाल में हुआ है, ये कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश का इंदौर जो है ये शीर्ष पर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? ये कहाँ पे खुला है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खुला है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और अन्य बिंदुओं को देखें दिल्ली से रिलेटेड, तो अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है।
अभी हाल में दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है। ये दिल्ली सरकार ने किया है। नई योजना सहेली स्वयं केंद्र की शुरुआत ये भी दिल्ली में हुआ है। सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है कहां पे? दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसके साथ अगर बात करें मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस, और 11 मार्च को मनाया गया है विश्व किडनी दिवस, और इसके साथ ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है कब? 15 मार्च को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। यहां बात हुई है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें, तो भाग्य लक्ष्मी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, कन्या सुमंगल योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री माटी कला योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, वनवासी समागम योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, काला नमक चावल महोत्सव भी हाल में हुआ है कहां पे? उत्तर प्रदेश में हुआ है, अभ्युदय योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, उद्यम सारथी ऐप अभी लॉन्च किया गया था कहां पे? उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां की गई है? ये भी उत्तर प्रदेश में की गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं जो करंट की अपडेट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ ही क्लास को शेयर करना ना भूलें। और फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई जानकारी लेना है, कोई टॉपिक पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं? तो कौन हुए हैं? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कहां हुआ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में दोस्तों भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किया गया है किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल के द्वारा जो है आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल में ही स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खुला है? तो ये खुला है कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात यहां पे आई है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट की डिस्कस करें हम फिर से। तो नैनीताल झील ये भी उत्तराखंड में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, नौकाझिया ताल झील ये भी उत्तराखंड में है, सात ताल झील ये भी उत्तराखंड में है, सप्तऋषि कुंड ये भी कहां है? उत्तराखंड में है, टोडी ताल झील ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये भी आपके उत्तराखंड में है, और नंदा देवी पर्वत कहां पे है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहां बना है? तो ये कहां बना है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में रसिन बांध और चिलीमल बांध का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है रसिन बांध और चिलीमल बांध का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने 1 बिलियन से अधिक डॉलर में विग बास्केट को खरीदा है? ये किसने खरीदा है? टाटा संस ने। टाटा संस ने 1 बिलियन से अधिक जो है डॉलर में विग बास्केट को खरीदा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? गिरीश चंद
मुर्मू को, गिरीश चंद मुर्मू को जो है संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में जो है 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं T20 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई दोस्तों? हिंद महासागर में। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनसे रिलेटेड जो भी कुछ पॉइंट अगर आपके पास है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? अजय माथुर ने। अजय माथुर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण की नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी इनको हाल ही वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है यहाँ पे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करें। 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का भी हाल में उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में शीर्ष पर रहा है ये जम्मू कश्मीर। और हेरत उत्सव भी हाल में मनाया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु लॉन्च किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ये कौन है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका जो है UAE को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो भारतीय बॉलर बने हैं वो बने हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो है T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो ये बनी है दिल्ली। दिल्ली जो है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ये कौन करेगा दोस्तों? भारत। भारत जो है 2021 में होने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियन की जो है मेजबानी भारत करने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है MA गणपति को। MA गणपति को जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में हरुण की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा दोस्तों एलन मस्क। एलन मस्क जो है हरुण की ग्लोबल रीच लिस्ट में 2021 में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण बनेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है दोस्तों? मसूरी में। मसूरी में जो है हाल ही में GI महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है पहले स्थान पे। तो ध्यान दीजिएगा, ICC में टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,00,000 महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार ने जो है 1,00,000 महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? तो कर रहा है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना की को लागू किया है? तो किया है कितने? 17। 17 राज्यों ने जो है एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो किया है किसने? झारखंड ने। झारखंड सरकार ने जो है अपने प्राइवेट सेक्टर में जो है 75% नौकरियां जो है झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तेलंगाना के राज्यपाल को। दोस्तों आप हमें बताएं कि तेलंगाना के इसमें मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है और यहाँ का जो है कैपिटल क्या है, इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में जो है डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो है भिखारियों की संख्या पाई गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में AIBA की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AIBA की जो है समिति का अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है? मैरी काम को। मैरी काम को जो है AIBA की समिति का अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोज की है? तो कहां पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपके पास जानकारी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, यहाँ का GI टैग क्या है, इसके बारे में जो भी जानकारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और इसके साथ बताना चाहेंगे अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा इस पूरे क्लास की। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही क्लास को शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद।